हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने इंजीनियरिंग एथिक्स एंड वैल्यूज़ का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है इंजीनियरिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको जितना इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एकदम ओवरऑल इसका थ्योरी है। इंजीनियरिंग एक्टिविटी का मेन बात यही हो जाता है कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उससे ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ इनपुट आउटपुट क्या हो जाता है? एक साधारण से बात में अगर एज ए एम्प्लॉय मैं बताऊँ, एज ए एम्प्लॉय सोचो तो कंपनी आपको सैलरी देती है हर मंथ 40K। तो कंपनी रिटर्न में आपसे ये चाहेगी कि 40K अगर 40,000 अगर आपको सैलरी मिलती है तो रिटर्न में आप 80,000 का काम करके आप रिटर्न करो। तो ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका आउटपुट हो गया। लेकिन जब हम लोग एज ए प्रोफेशनल हट के एक ऑर्गेनाइजेशन का होल सम बात करते हैं, ये हो गया पर्सनल इंजीनियरिंग एथिक्स। लेकिन एज ए इंजीनियर जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, किसी सपोज करो तुम डायरेक्टर हो, एक प्लांट बैठ रहा है, ओके, एक प्लांट कहीं बैठाना चाहते हो किसी शहर में, तो वहाँ पर क्या क्या इनपुट हो सकते हैं? वहाँ पे बहुत सारा तरह के इनपुट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होलसम सोचोगे तो वहाँ पर पहला इनपुट होगा फिजिकल इनपुट। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल इनपुट में क्या आ जाता है? लैंड आता है, कितना ज़मीन ले रहे हो। मान लो किसानों से आपने ज़मीन ले लिया लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं आ रहा, उतना ज़मीन का खर्च ज़्यादा हो गया, कितना लेबर वहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स क्या क्या लग रहा है और कितना पैसा लग रहा है, इसको हम लोग फिजिकल इनपुट कहते हैं। इकोनॉमिकल इनपुट में आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फंड। इकोनॉमिकल इनपुट का मतलब पैसा नहीं, पैसा तो रॉ मटेरियल को लेने में खर्च होगा ही, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ फंड क्या होता है कि आपने किस तरीके से पैसे को मैनेज किया, कितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, उससे कम तो नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। किसी को सैलरी ऐसे नहीं अपने मन से ज़्यादा दे दो, कम दे दो। मैन पावर का मैनेजमेंट, फंड का मैनेजमेंट, सबका मैनेजमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है इकोनॉमिकल इनपुट के अंदर। नेक्स्ट होता है सोशल इकोनॉमिक इनपुट। सोशल इकोनॉमिक इनपुट ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। मैं इसको एक सिंपल से तरीके से बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा टाटा कंपनी बंगाल में आ रही थी और हमारी ममता दीदी ने टाटा कंपनी को भगा दिया जब नैनो कार बनाने के लिए। रीज़न क्या था? कंपनी आती तो शायद आज कोलकाता वेस्ट बंगाल का अलग हालत होता, एक भी उसके बाद एक भी इंडस्ट्री नहीं आया यहाँ। चलिए वो बात की बात है। तो वहाँ क्या हो रहा था ना कि वहाँ के किसानों से ज़मीन लिया जा रहा था, कुछ उपजाऊ ज़मीन थे और कुछ ज़मीन बेकार थे, और वहाँ पर इंडस्ट्री बैठाना चाहती थी टाटा कंपनी, टाटा नैनो की इंडस्ट्री बैठानी चाहती थी। हमारे ममता दीदी और उनकी सरकार, उस वक्त जो पार्टी थी, उनका ये कहना था कि वहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ की खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगा और उनको उतना सारा लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो लॉस ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है इसको भी काउंट किया जाता है हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले। वहाँ का कहीं कल्चर या ट्रेडिशन तो ख़त्म नहीं हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनपुट में देखी लिखी जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट वहाँ ख़त्म हो रहा, आप किसी का खेती बाड़ी ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट वहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पड़ेंगे कि वो कॉम्पनसेट हो जाए और उससे ज़्यादा आप उनको वापस कर पाओ। मैं क्लियर, आई थिंक मैंने समझा पाया ये बात। और लास्ट में आ जाता है हम लोग का इकोलॉजिकल इनपुट, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि भाई आप जहाँ कंपनी बैठाओगे वहाँ पेड़ पौधे काटोगे आप, वहाँ से धुआं निकलेगा, वहाँ से गंदगी केमिकल निकलेगी, उसको आप कहाँ डालने वाले हो। तो ये हमारे देश में तो कोई मानता नहीं है, पर प्रोविजन इसका भी है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सर्वे कैसे होता है। आप कितना पेड़ काट रहे हो हिसाबन, ये इथिकल बात यही होती है कि मान लो आपने कंपनी बैठाने के लिए 10,000 पेड़ काट दिए, 10,000 पेड़ आपने काटे हैं, तो हिसाबन आपको 15,000 से 20,000 पेड़ों को लगाना चाहिए।
अगर आप धुआं वहाँ पे निकल रहा है उसके लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा चिमनी होना चाहिए। और अगर आपका कोई केमिकल वहाँ से एमिट हो रहा है तो उसको आप सीधे रिवर में नहीं फेंक सकते, उसको प्रोसेस करके प्यूरीफाई करके एंड देन उसके लिए अलग से नाला निकालना जरूरी होता है। तो ये सारी बातें एथिक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। आई होप मैंने समझा पाया। इसमें जो लास्ट के दो बात थे, सोशल इकोनॉमिकल इनपुट एंड इकोलॉजिकल इनपुट, इसको मापना कोई आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है इसको मापना। तो इसको मापने के लिए जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो दो चीज़ें हम लोग की जाती हैं। एक को कहते हैं EIA, फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में EIA, इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट वर्ड जहाँ भी जुड़ा होगा आप ये याद रखना कि ये कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट होने के पहले, हम लोग उसको कुछ भी प्रोजेक्ट बनने से पहले उसका असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको इवेलुएट किया जा रहा है, उसका एक आइडिया लगाना कि हाँ अच्छा यहाँ इतना ज़मीन लगेगा, इतना खर्च होगा, इतना सारे पेड़ कटेंगे, ये सब कुछ करके उसका एक लेखा जोखा बनाया जाता है। इसको कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये देखो यही लिखा हुआ है, इट इज़ डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले इसको किया जाता है। टू नो द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये जानने के लिए कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बैठाया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा इकोलॉजी पे और इन्वायरमेंट पे। द डिटेल एनालिसिस ऑफ EIA, दैट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डन बाई मेकिंग वेरियस इम्पेरिकल कैलकुलेशन अलॉन्ग विथ डिटेल्स। तो इसको क्या किया जाता है, बहुत सारा एम्पेरिकल कैलकुलेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, यहाँ अगर कंपनी यहाँ लगी तो इतना सारा पेड़ कटा, इसके रिटर्न में इतना सारा लोगों को जॉब मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर उन्नति होगी, यहाँ रास्ता निकलेगा, यहाँ पर घर बार बसेंगे, यहाँ शहर हो जाएगा, ये सारी बातें लिखी जाती हैं, ये मजाक नहीं कर रहे हम लोग, ये सब लिखा जाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, सब कुछ कैलकुलेट करके समहाउ हमें ये देखना है कि हमारा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसको कहाँ स्टडी करके भेज दिया जाता है, MOEF के पास। MOEF का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, इसके पास भेजा जाता है EIA का रिपोर्ट को अप्रूवल के लिए। और वहां से अगर अप्रूवल मिलता है तभी जाके कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बैठता है, हमारे देश में पता नहीं है कब होता है। और ये सब जो इतने सारे जो तामझाम लगा दिए जाते हैं ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा करप्शन होता है हाई लेवल पे। चलो, करप्शन हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखना। दूसरा है EMP। EMP का मतलब होता है इन्वायरमेंट, EMP इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। मॉनिटरिंग का वर्ड का मतलब आ गया कि जब आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, स्टार्ट हो गया है, एंड हो गया है, और एंड के बाद, इन तीनों टाइम मॉनिटर करते रहो कि आपने जो असेसमेंट दिया था उसके हिसाब से ही चल रहा है, या उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट को, या उससे कम लॉस हो रहा है, कंपनी के बनने के बाद उसका क्या पॉजिटिव आउटपुट है। तो इसको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद किया जाता है, ठीक है। सो इट इज डन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू स्टडी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। समटाइम EMP इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मैंने कहा प्रोजेक्ट जब चल रहा है उस वक्त भी करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी करते हैं इसका स्टडी, और फिर इसको भेजा जाता है वापस मिनिस्ट्री के बाद, और फिर से अप्रूवल लिया जाता है कि हाँ भैया हमने जो आपसे लिया था ये अप्रूवल, उसके बाद ये काम ऐसा चल रहा है, हम लोग बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े करप्शन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ओके चलो, कुछ बातें नोट करने वाली है। पहला, टू नो द सोशियो इकोनॉमिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ CSR हैज़ बीन स्टार्टेड। ये सोशियो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल तो हो गया, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। इस कॉन्सेप्ट का नाम है CSR, फुल फॉर्म क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही टाटा कंपनी वाली बात को याद रखना, ठीक है।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सोसाइटी की तरफ। आप जहाँ कंपनी बैठा रहे हो, ये नहीं कि किसानों से आपने उनकी जमीन ले ली और उनको ठेंगा दिखा दिया, उनको जॉब नहीं दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट का सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और इसको ही CSR कहते हैं, स्टार्टेड। ये एक नया ही कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके तहत क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी एंड मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द कंपनी एक्ट 2013, और इसको मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन सा एक्ट होता है अगर पूछेगा तो कंपनी एक्ट, याद रखना, कंपनी एक्ट 2013 में आया था उसके थ्रू, और कंपनी रूल 2014 में आया था उसके थ्रू। CSR के अंदर, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या बातें आती है जनरली, इसमें ये है कि जो कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसे कंपनियों को हर तीन फाइनेंशियल ईयर पे जितना इन्होंने कमाया है उसका 2% को इनको नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का 2% को ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कमाया हो, ठीक से समझो, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में ऑन एन एवरेज जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया हो उसका 2% इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ, किस काम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, CSR के लिए, मीन्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कैसी बातों के लिए, जैसे कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, साफ सफाई करने के लिए, रोड बनवाने के लिए, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी का, ट्रेडिशन का हालत अच्छा होगा और इस कॉरपोरेट का भी वहां फायदा होगा। जैसे कंपनी क्या हो रही है कि कंपनी बहुत पैसा कमा रही है लेकिन वो सारा पैसा घर लेके चली जा रही है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भाई कि अगर इस शहर में या इस गांव में आपका कारखाना है तो आप 3 साल में जितना पैसे कमाओ उसका एटलीस्ट 2 साल, 3 साल का ऑन एन एवरेज का 2% आप एटलीस्ट यहाँ रास्ते बनाओ, यहाँ पार्क बना दो बच्चों के लिए, या एक स्कूल बनवा दो बच्चों के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग CSR कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है इथिक्स इन IPR, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वरना लेक्चर काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखो, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो अगर जो IAS का तैयारी कर रहे हैं, और मैनेजमेंट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें उनके साथ शेयर कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट करो एटलीस्ट। ओके, कुछ सजेशन हो तो बताना। सो थैंक यू वेरी मच।